सर राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ने का फैसला लिया है और वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। देखिए ये तो वायनाड के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, उन्होंने इनको चुन दिया और इन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने उनको उस समय भी चुना जब सारे हिंदुस्तान में इनके लिए जगह नहीं थी, और अब ये सब बहन भाई की कंपनी है, बल्कि घर में ही बैठ के फैसला कर लिया, खुद ही टिकट लेने वाले, खुद ही टिकट देने वाले। कहना है कि दिल्ली में जो पानी का संकट चल रहा है वो भाजपा द्वारा प्रायोजित है। देखिए आप पार्टी का दूसरों पर दोषारोपण करके राजनीति का फार्मूला फेल हो चुका है। मैं संजय सिंह जी से कहूंगा कि आप कोई नया बहाना ढूंढे, हम इनको पूरा पानी दे रहे हैं, जितना हाई सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा, हाई कोर्ट ने कह रखा, हम इनको उतना पानी दे रहे हैं। ये अपने जो पाइप ठीक नहीं करते, जगह जगह इनकी पाइप लीक कर रहे हैं, जगह जगह गाद जमी हुई है रिजर्वायर में। अरे भाई इतने साल हो गया आपको, 10 साल तो मोर रिजर्वायर बना लेते हैं और भर लेते हैं, उनको करते तो है ना कुछ, जहां डीप ट्यूबवेल लगा लेते हैं, टैंकर वाले भी तो ला रहे हैं पानी कहीं से, जहां से टैंकर वाले ला रहे हैं वहां से ये भी निकाल लेते हैं पानी, पानी तो है ना दिल्ली में। इसका मतलब आप करना नहीं चाहते, इनको पता है जब दिक्कत आएगी हम हरियाणा पे डाल देंगे, पहले तो पंजाब पे भी डालते थे, अब पंजाब में क्योंकि इन्हीं की पार्टी की सरकार है, अब पंजाब से ना पराली का धुआं आता है ना पानी की दिक्कत है क्योंकि इनकी सरकार बन गई। पर मैं कहना चाहूंगा तुम हरियाणा से कह रहे हो पानी के लिए, तुम हमारा SYL का पानी दो, हमारे किसान प्यास से मर रहे, हमारे खेत प्यास से, हमारे अब जीरी बोई जाने वाली है, हमें पता हमारे प्रदेश में कितनी दिक्कत है, और आपकी सरकार है, अगर आप सिंसियर और ईमानदार हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है तो आप हमें पानी दो, हमारे खेतों को पानी मिले, हमारे किसानों की प्यास बुझे। पार्टी विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो है वो रणनीति करेंगे। देखिए इनकी नोटा से भी कम होते आएंगे, लड़ लेंगे, लोग देख चुके हैं इनको अच्छी तरह, सब जगह से देख लिया, पंजाब में देख लिया क्या दुर्गति हुई है, हरियाणा में आपने देख लिया, कुरुक्षेत्र में पूरा डंका बजा रखा था क्या दुर्गति हुई है, और दिल्ली में ये सारी सीटें हार गए, भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो लोग तैयार बैठे हैं पूरी तरह से साफ कर रहे हैं। उनको गवर्नर से मिलने वाले हैं, इस दौरान विधानसभा भंग करने की मांग जो है वो करेंगे। ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, ये सभी पार्टियां करती रहती हैं, बाकी जो समय आएगा तो सरकार की मेजोरिटी है पूरी तरह से।